अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसाना के किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग सोच रहे हैं इतने सारे पालक का क्या बनने जा रहा है, तो इसकी बनने जा रहा है पालक पनीर। बहुत ही टेस्टी बनता है पालक पनीर, बिल्कुल मैं आप लोगों को मेरे स्टाइल में सिखाऊंगी। बहुत सारे तरीकों में बनता है पालक पनीर। तो चलिए इसे हम बॉईल कर लेते हैं। पहले पालक को हमें बॉईल करने के लिए सबसे पहले मैंने 2 लीटर कितना पानी को बॉईल होने के लिए रख दी हूँ। अब इसके अंदर हम पालक को शामिल करेंगे। पालक को मैंने अच्छे से धो के रख ली थी, ये देखिए। अब इसमें हम इसको इस तरीके से कर लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा पकाएंगे। और इसके कलर के लिए हम क्या करेंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसका कलर किस तरीके से मेंटेन रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब कलर के लिए हमने क्या करें, एक बड़ा सा थाला ले ली हूँ, उसमें बर्फ़ डाल ली हूँ मैंने ऐसे, तो जल्दी से इसमें बॉईल होएगा और इसमें हम इसको पालक को ठंडा करने के लिए रख देंगे, तो इससे कलर अच्छा मेंटेन रहता है। पालक अच्छे से ये पक गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है ऐसे। अब निकाल के हम इसको ठंडे पानी में इसको शामिल करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। इससे पालक का कलर अच्छा रहता है, ब्लैक ब्लैक नहीं हो जाता है ऐसे करने से। सभी पालक को इसी में इसी तरीके से निकाल लेंगे हम। 2 टेबल स्पून कितना मैंने देसी घी ले ली हूँ। अगर हम पालक पनीर बना रहे हैं या साग बना रहे हैं उसमें देसी घी डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 2 से 3 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल ले लेंगे, जिससे कि घी पूरा जले नहीं। जब हम मसाले फ्राई करेंगे तो उसमें घी जलने नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा हमें तेल भी डाल लेना है। अब इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं, फिर हम मसाला तैयार करते हैं। ऑयल और घी अच्छे से गर्म हो गया है, मैं 1 तेज़पत्ता डालूंगी इसमें और 1 टेबल स्पून कितना जीरा, और कुछ खड़े गर्म मसाले हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये मैंने ले ली थी लहसुन, 10 से 12 लहसुन की कलियों को बारीक इस तरीके से चॉप कर ली हूँ। अदरक को भी इस तरीके से मैंने मोटा मोटा चॉप कर ली हूँ। मैं पेस्ट नहीं डाल रही हूँ, इस तरीके से मैं बना रही हूँ, आप लोग देखना बिल्कुल। अब इसको हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक का इसको फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है, अब उसमें 2 हरी मिर्ची डालूंगी मैं और 2 मीडियम साइज की छोटी प्याज ली थी, बारीक इस तरीके से मैंने चॉप कर ली हूँ। इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गई है और 2 ही टमाटर ली थी मैंने, बारीक इस तरीके से चॉप कर ली हूँ। टमाटर को भी हम अच्छे से मसाले में पका लेंगे, जब तक अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं ये। मैं इस तरीके से बनाती हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को बड़ा बड़ा सा चॉप करते हैं, फ्राई करते हैं, फिर मिक्सर कर लेते हैं, एक तरीका वो भी है। और मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो मुझे इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बना के देखना कि ये तरीका कैसा लग रहा है। टमाटर देखो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, अभी मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालूँगी कि टमाटर प्याज और अच्छे से पक जाए। ठीक है, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और ये पक भी जाएगा अच्छे तरीके से। अब इसको मैं ढक के 2 से 3 मिनट हम इसे पकने देंगे। मसाला टमाटर ये अच्छे से भून गया है, थोड़ा गलने पे भी आ गया है, तो अब इस टाइम पे मैं कसूरी मेथी डाल दूंगी। ये 2 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ली हूँ। इस टाइम पे डालेंगे ना आप तो इसकी खुशबू क्या आएगी, और ये अच्छे से इसमें पकेगा, देखना कितना अच्छा टेस्ट लगता है इस तरीके से हम बनाएंगे तो। इसको इसके साथ में अच्छे से हम पकने देते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर ली हूँ, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टेबल स्पून जीरा मसाला है और 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना। अब इन चीज़ों को हम मसाले में शामिल कर देते हैं। इसके अंदर हम इन चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। और ये मैंने पालक ली हूँ, ये कच्चा पालक है, इसको मैंने बारीक फाइन एकदम से हम चॉप कर लेंगे। इससे भी एक अलग ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और ये थोड़ा सा मुँह में ऐसे आएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। वो तो पीसेंगे हम
और ये थोड़ा सा लीम देख सकते हैं आप, 2 टेबल स्पून के इतना पालक है ये, इसको भी इस टाइम पे हम शामिल कर देंगे। अब अच्छे से पका लेंगे हम इन चीज़ों को। तो माशाल्लाह से कितना बढ़िया कलर हुआ ना पिसने के बाद में, इसी तरीके का हमें कलर चाहिए था। अब इसको हम मसालों में शामिल कर देंगे। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, खुशबू कितनी बढ़िया आ रही है। अब हम इसमें पालक को शामिल कर देंगे जो हमने पीस के रखे। अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसे पहले बॉईल कर लिया है पालक को, तो इसके लिए बस मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको स्लो आंच पे मैं थोड़ा पकने देती हूँ। ये थोड़ा छिट्टे देगा तो इसका पूरा ढक्कन ढक के हमें नहीं रखना है, नहीं तो वो ब्लैक कलर हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना, ढक्कन को हमें आड़ा रखना है। ये देखिए इस तरीके से आड़ा ढक्कन ढक के हम इसे पकने देंगे। अगर खुला रखेंगे तो ये छिट्टे देगा और बराबर से पक नहीं पाएगा, क्योंकि छिट्टे देगा ये ना इसके लिए, तो इस बात का आप ध्यान रख लेना। तो चलिए मैं इसको ढक के रख देती हूँ। पालक अच्छे से कुक हो गया, देखिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है। इसे 5 मिनट और कुक होने देंगे हम पनीर डालने के बाद में। तो पनीर देख लेते हैं हम अपना। 350 ग्राम मैंने पनीर ली हुई है, पनीर के मैंने इस तरीके से पीस कर ली हूँ। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कम या ज़्यादा, जितना छोटा आपको रखना है आप इस हिसाब से रख सकते हैं। अब पनीर को हम पालक में शामिल कर देंगे। अब पनीर को हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ग्रेवी का टेक्सचर लग रहा है ना। अब इसमें हम फ्रेश क्रीम को थोड़ा शामिल कर देंगे। अगर आपके पास दूध की है मलाई तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। अब पनीर को और फ्रेश क्रीम को हम मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए हम कुक होने देंगे। अगर आप फ्रेश क्रीम नहीं डालना पसंद करते हैं तो इसकी जगह पे काजू का पेस्ट भी हम डाल सकते हैं, है ना, या फ्रेश मलाई डाल सकते हैं दूध पे जो आती है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कसूरी मेथी की, बहुत ही टेस्टी बना। देखिए 5 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। पालक पनीर बनके रेडी हो गया, देखिए बढ़िया सा। अब गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और एक इसके ऊपर हम तड़का देंगे। देखिए गाढ़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना पतला है गाढ़ा, बस ये इतना ही मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही रख रही हूँ। गैस की फ्लेम को बंद कर दी। तड़के के लिए मैंने 2 मिर्ची ले ली हूँ। ये थोड़ा सा कुटा हुआ अक्का धनिया है, इसको ऐसे डाल लेंगे, इससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और ज़रा सी ये 1/4 स्पून के इतनी लाल मिर्ची डालेंगे। गैस की फ्लेम बंद करके डालना क्योंकि ऑयल भी गर्म है ना, तो ये जल जाएगी, इसलिए अगर गैस ऑन रहेगा तो मिर्ची जल जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। अब हम तड़का इसके ऊपर डाल देंगे। इतना ज़बरदस्त खुशबू लग रही है, क्या बताऊँ मैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है। हम मिक्स करेंगे और इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पालक पनीर बनके रेडी हो गया है। कितना चटपटा और जायकेदार बना है। आप लोग ज़रूर बना के इसको ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।